Thank you.
आप चाहें तो खटाई ना हो तो नींबू का रस, आधा नींबू का रस इसमें मिला दीजिए अगर आपके पास खटाई नहीं हो तो। या मैं कश्मीरी मिर्च भी ले रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च है। मैं कश्मीरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए, क्योंकि इससे मैं कलर के लिए मैंने इसको डाला है। ये तीखी नहीं होती है बट इससे कलर अच्छा आता है, तो अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे ये थोड़ा सा कलर और अच्छा आ जाता है, खिल के आता है कलर। और देखिए ये येलो ग्रीन कितना सुंदर कलर लग रहा है। अब ये हमारा अचार हो गया रेडी। अब ये जाएगा धूप में, 2 से 3 दिन हम इसको धूप में रखेंगे, और उसके बाद आप इसको किसी बर्नी में भर दीजिए। रात के टाइम आप इसको पंखे के नीचे भी रख दीजिए कि इसमें हवा लगती रहे, तो ये रात में हाँ पंखे के नीचे भी सूख जाता है। और बस उसके बाद ये रेडी है हमारा सहजन की जड़ का अचार। आप भी बनाइए और बताइएगा कि कैसा बना, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।